हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार एग्जामपुर में। दिस इज योगेश और आज आप सबके लिए एक बेहतरीन ट्रिक जो कि फिजिक्स के एक बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के लिए है, ताकि आप इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और अच्छा कर लें और इस कंसेप्ट से जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उन्हें और अच्छा और बेहतरीन बना सके। तो आज की ट्रिक शुरू करते हैं जो कि फिजिक्स के एक बहुत ही अच्छे कंसेप्ट से है, जो कि आपके एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें क्या कंसेप्ट पूछा जाता है उसके बारे में हम यहां पर एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कंसेप्ट क्या है। ठीक है, चलिए तो ट्रिक के साथ शुरुआत करेंगे। और भौतिक विज्ञान का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने सुना भी होगा और ज्यादातर स्टूडेंट को इसमें जनरली कंफ्यूजन भी रहती है, हम बात करने जा रहे हैं ट्रिक की, जो कि मिरर और लेंस से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? मिरर से और लेंस से। बात करेंगे दर्पण और लेंस के बारे में कि जब मिरर और लेंस से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो किस तरह से पूछा जाता है। छोटी सी ट्रिक आपको यहां से पता होनी चाहिए। देखिए, अगर हम मिरर के बारे में बात करें तो हम जानते हैं कि जो मिरर है वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। आप सभी ने सुना होगा प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण, प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण, और दूसरे हो जाते हैं आपके स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलाकार दर्पण। अगर हम गोलाकार दर्पण के बारे में बात करें ना, तो याद रखना गोलाकार दर्पण फिर से दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कॉनकेव मिरर और एक होते हैं कॉन्वेक्स मिरर। आपने सुना भी होगा कि दो तरह के स्फेरिकल मिरर हो जाते हैं। कौन कौन से आपसे पूछ लिए जाएं तो याद रखना वो जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो आपके जो दो तरह के होते हैं वो हो जाते हैं आपके कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, सिंपल सी बात करेंगे अवतल और उत्तल। और आप सभी ने यह भी सुना होगा कि अगर हम अवतल और उत्तल के बारे में बात करें तो दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस लाए करता है वो कहां पर लाए करता है, वो ये होता है कि जो कॉनकेव मिरर है ना उसकी बाहर की साइड पर ना पॉलिशिंग होती है। यहां से तो ये पॉलिश्ड होता है लेकिन अंदर से ना ये परावर्तित होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है। लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स के बारे में बात करें तो याद रखना अंदर से तो ये पॉलिश्ड होता है, बाहर से क्या होता है, इसका परावर्तन होता है। ऐसे ही पूछा जाता है लेंस कितने तरह के हैं, तो याद रखना लेंस भी दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स, यानी कि अवतल और उत्तल। पूछ लिया जाए कि अवतल और उत्तल लेंस किस किस तरह के दिखते हैं तो याद रखना इस तरह का होता है अवतल लेंस, मतलब साइडों से थिक होगा और अंदर से थिन होगा, और कॉन्वेक्स इस तरह का दिखता है यानी कि साइडों से थिन होता है, बीच में से थिक होता है। कंसेप्ट क्या मैं आपको बताने जा रहा हूं ट्रिक के माध्यम से, उस पर एक बार ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बनता है इमेज फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ, मतलब कौन सा मिरर और कौन सा लेंस किस तरह की प्रतिबिंब बना सकता है। इसमें जनरली कंफ्यूजन होती है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, तो एक खास बात ध्यान से यहीं पर समझ लेना कि यहां पर देखो मिरर के साथ वर्ड कौन सा लगा हुआ है, कॉनकेव, और लेंस के साथ कौन सा वर्ड लगा है, कॉन्वेक्स। तो याद रखना, ध्यान से सुनना इस बात को कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस ये दोनों एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये दोनों एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसका मतलब है, नाम पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर कॉनकेव के साथ मिरर लगा हुआ है और वहां पर कॉन्वेक्स के साथ लेंस लगा हुआ है, ये दोनों एक जैसे प्रतिबिंब बनाएंगे। और दूसरी खास बात क्या याद रखनी है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना और जो कॉनकेव लेंस होता है, ये दोनों एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। देखो शब्दों का खेल है, शब्दों पर जाइएगा, पॉइंट समझिएगा कि यहां पर अवतल दर्पण है और यहां पर उत्तल लेंस है, यहां पर उत्तल दर्पण है और अवतल लेंस है, ये दोनों एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब जब प्रतिबिंब बनती है तो प्रतिबिंब का गुण भी होगा, वो गुण किस तरह का होता है वो एक बार देख लेते हैं कि गुण कैसा बनता है, यहां पर किस तरह का नेचर बनता है। देखिए जरा, याद रखिएगा, अभी अभी हमने पढ़ा कि जो कॉनकेव मिरर है यानी कि अवतल दर्पण है और दूसरा है आपका उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, ये दोनों एक जैसे गुण दिखाते हैं। उत्तल लेंस, ये दोनों एक जैसे गुण दिखाते हैं। पूछ लिया जाए कि कौन कौन से इमेजेस को ये बना सकते हैं, तो याद रखना ये दोनों हर एक तरह की इमेजेस बना सकते हैं। आप इन्हें कहो कि उल्टी इमेज बनानी है, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी प्रतिबिंब बनानी है, बना देंगे। आप इन्हें कहो सीधी प्रतिबिंब बनानी है, ये कहेंगे बिल्कुल बना देंगे,
यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बना सकते हैं। सिंपल सी बात है, उल्टी भी बना सकते हैं, याद रखिएगा सीधी भी बना सकते हैं, उल्टी प्रतिबिंब भी बना देंगे, सीधी भी बना देंगे। आप इन्हें कहो जी बड़ी इमेज बनानी है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, बड़ी भी बना देंगे, यानी कि बड़ी प्रतिबिंब मैग्नीफाइड इमेज भी बना सकते हैं। आप इन्हें कहो जी छोटी प्रतिबिंब बना के दिखाओ, डिमिनिश्ड इमेज बनाओ, कहेंगे जी बिल्कुल बना देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये डिमिनिश्ड इमेज भी बना सकते हैं, सिंपल सी बात है, याद रखिएगा छोटी प्रतिबिंब भी बना सकते हैं। तो ये बड़ी भी बना सकते हैं, छोटी भी बना सकते हैं, उल्टी भी बना सकते हैं, सीधी बना सकते हैं, हर एक तरह की प्रतिबिंब बना सकते हैं। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हम बात करें किसके बारे में, अगर हम बात कर लें कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, किसके बारे में, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, यानी कि उत्तल दर्पण के बारे में, या फिर हम बात कर लें किसके बारे में, कॉनकेव लेंस के बारे में, आपको पता ना ये दोनों एक जैसा गुण दिखाते हैं, यानी कि अवतल लेंस के बारे में, तो याद रखना ये हर एक तरह के प्रतिबिंब नहीं बना सकते, ये दोनों हर एक तरह के प्रतिबिंब नहीं बना सकते, ये सिर्फ दो ही तरह की इमेजेस बनाएंगे। पहली खास बात याद रखनी है, ये सिर्फ और सिर्फ सीधी प्रतिबिंब बनाते हैं, ये कभी भी उल्टी प्रतिबिंब नहीं बना सकते, याद रखिएगा ये हमेशा सीधी प्रतिबिंब बनाएंगे, दे विल ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ये हमेशा सीधी प्रतिबिंब बनाएंगे। और दूसरी खास बात याद रखना, ये हमेशा छोटी ही बनाएंगे, ये कभी भी बड़ी नहीं बना सकते, दे विल ऑलवेज फॉर्म डिमिनिश्ड इमेज, ये हमेशा छोटी प्रतिबिंब ही बनाएंगे। तो इतनी सी खास बात याद रखनी है, ट्रिक बस इतनी सी है कि जो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस है वो एक जैसी प्रॉपर्टी बनाएंगे, ये भेदभाव नहीं करते, ये हर एक तरह की इमेजेस बना सकते हैं, बड़ी भी, छोटी भी, उल्टी भी, सीधी भी, बट ये जो दोनों है ना ये भेदभाव करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस सिर्फ दो तरह की इमेजेस बना सकते हैं, पहली खास बात याद रखनी है सीधी बनाएंगे, और दूसरी खास बात याद रखनी है ये छोटी बनाएंगे। तो बेसिकली आज के इस कंसेप्ट की ट्रिक के अंदर हमने बहुत ही अच्छे से ये पढ़ लिया है कि जब हम मिरर और लेंस के बारे में बात करते हैं और उनसे रिलेटेड जब आपसे ट्रिक पूछी जाती है तो आप क्या बात याद करके इनके जो कंसेप्ट है उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको इस ट्रिक से काफ़ी मदद मिलेगी और आप अपनी पढ़ाई को और आसान बना पाएंगे। आगे भी मिलेंगे कुछ ऐसे ही छोटी मोटी ट्रिक्स के साथ। बाय बाय, टेक अ गुड केयर, ऑल द बेस्ट।